गुड मॉर्निंग एवरी वन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम टू यू ऑन आवर ऑनलाइन क्लासेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वाले क्लास के अंदर 9.2 हमारे चल रहा था, हमने इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो ये डिस्कस किया था। तो देखिए इसके अंदर हमारा फर्स्ट हो गया था, सेकेंड में मैंने कब दिया था आपको नंबर थ्री आपको सेल्फ करने के लिए दिया था। अब आप इसका क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब थोड़ा सा आपको एडिशनल जो है वो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप इजी मेथड में ही चल रहे हो, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो सिलेबस में आया हुआ है हमें उसको भी कवर करना है। तो देखिए अब इसके अंदर पहले आप इसका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए एक बार, फिफ्थ के अंदर क्या लिखा हुआ है, फिर हम इसके आगे वाले क्वेश्चन देखिए। बाकी वाले नहीं करने आपको, नंबर फिफ्थ हो जाएगा तो ठीक है, बाकी वाले अपना वो देंगे फिर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नंबर फिफ्थ ही करना है इसके अंदर, बाकी जो लिखे हमें वो करने ज़रूरी नहीं है, जो हमने किए हैं वो सफिशियंट है। ओके, तो देखिए फिफ्थ नंबर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ से देखिए आप, 3x² y एंड ब्रैकेट 4x + 5y, ये लिखा हुआ है, आपको इसको करना है मल्टीप्लाई। देखो सबसे पहले तो आपको इसके अंदर ये ध्यान रखना है हमेशा कि अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर में कोई भी यहाँ पर साइन नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा हम क्या मानेंगे, मल्टीप्लाई मानेंगे। ये तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर इस वाले कंसेप्ट को बैठाना है। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, तो हम क्या हमेशा क्या मानेंगे, मल्टीप्लाई मानना आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। अब देखिए इसके पास कितने टर्म है, इसके पास टर्म है टू, एक तो 4x है और एक 5y है, टू टर्म हो गए ना। तो जो टू टर्म होता है ना, इसको बोलते हैं बाइनोमियल, क्या बोलते हैं इसको, बाइनोमियल। ठीक है, यानी कि जैसे देखो बाइनोमियल, एक होता है मोनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल। या आप रुको, नहीं तो ना मैं इसके आगे वाले जो अपनी क्लास होगी ना उसके अंदर मैं आपको तीनों टाइप डिटेल से समझा दूंगा, अभी बीच में आपके समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अभी आप इतना सही है, मान लीजिए ये बाइनोमियल है, ठीक है। अब बाइनोमियल में क्या होता है, देखो ये जो ब्रैकेट के बाद जो लिखा हुआ ना, ये तो कंप्लीट एक साथ में है, क्योंकि इसके बीच में कोई भी प्लस वगैरह का साइन नहीं है, तो ये तो कंप्लीट एक ही टर्म माना जाता है, ये तो एक ही टर्म है इसके अंदर, इसके पास टू टर्म है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, तो देखो मल्टीप्लाई में हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट ये बार लिखा हुआ है ना, ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ कोई भी नंबर, टर्म, कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो अंदर सबसे अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। मेरे कहने का मतलब है, ये नंबर पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये नंबर इससे और मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा साइन के साथ में। तो देखो इसीलिए मैंने डिटेल से लिखा है, पहले मैंने इसको 4x के साथ मल्टीप्लाई में लिखा है, तो देखिए ये रहा कंप्लीट यहाँ पर, फिर मैंने 3x² को 5y के साथ में मल्टीप्लाई में लिखा है, तो देखो ये रहा यहाँ पर, यानी ये दोनों के साथ में काउंट होगा, ये जो है ना ये दोनों के साथ में काउंट होगा, इसके साथ भी काउंट होगा और इसके साथ भी काउंट होगा, है ना। ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ तो ये उस ब्रैकेट के पूरे के साथ में काउंट होता है, आपको ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है 2, 3, 4, 5, 6 उन सबसे अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो लिख तो दिया आप इसको, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, और ये मल्टीप्लाई मैंने पहले से कहा था आपको, 3 × 4 = 12, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस और प्लस प्लस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास x² है, इसके पास x है, x² और x को मल्टीप्लाई करने से क्या जाएगा, x आ जाएगा 3 times, तो ये आ गया x³। y देखो इसके पास है, इसके पास y है ही नहीं, तो इसका तो कंप्लीट क्या आ गया, 12x³ and y, ये आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। अब आप देखिए इसके अंदर ये प्लस का साइन कहाँ से आ गया बीच में, ये देखो ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 5y के साथ में, तो देखो मैंने इसको लिख दिया 5y के साथ में। अब ये जो प्लस का साइन है ना, ये आपको लिखना पड़ेगा जो इसके पास में जो साइन होता है, इसके पास में कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कि सर प्लस कहाँ से, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लगाते, कुछ भी नहीं लगा तो नंबर पास पास होते हैं, इनके बीच में कुछ आता ही नहीं, तो फिर वापस रहता है कन्फ्यूजन, तो इसलिए आपको यहाँ बीच में साइन लगाना पड़ेगा। क्या सर यहाँ पर क्यों नहीं लगाया, यहाँ पर लगाया वही है, क्योंकि यहाँ पर प्लस और इसका भी प्लस, प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, प्लस ही आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस और प्लस को करने से आएगा तो प्लस ही वापस। 3 को पहले 5 से मल्टीप्लाई किया, 15, x² अकेला ही है तो x² का x², इधर भी y और इधर भी y, तो y और y मिलकर क्या बना देंगे, y². या आपको इसको देखो इस वाले चैप्टर में थोड़ा सा, शायद आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, आप वीडियो को वापस देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको इस वाले कंसेप्ट को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे वाले सारे क्वेश्चन हैं ना वो इसी के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। बाहर जो लिखा हुआ नंबर है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई, दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करना है साइन के साथ में, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, ये जो है ये इसका लास्ट आंसर होगा। क्योंकि देखो इसके पास x² y² है,
इसके पास एक्स क्यूब और वाई है, तो ये दोनों कैसे हैं, दे आर अनलाइक टर्म। ये क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए आगे वाले क्वेश्चन इसके, ये तो आपका हो गया इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट है, इसके अलावा बाकी क्वेश्चन आपको नहीं करना है। अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास आइए, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है आपकी फर्स्ट इसका जो लिखा हुआ है, इसमें भी मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। अब आपको ब्रैकेट के साथ में उसने ब्रैकेट दिया है, तो देखो ब्रैकेट के साथ में ब्रैकेट दिया तो उसका क्या करना है आपको, इसको भी मैंने डिटेल से यहाँ पर लिखा आपके पास में समझने के लिए। हाँ यहाँ से देखिए आप, इसमें देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपकी, देखो फर्स्ट टाइम है ना, ऐसा नहीं कि हाँ फर्स्ट टाइम थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी आपकी, लेकिन जैसे ही आप इस क्वेश्चन को रूटीन में लेके आओगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको धीरे धीरे आपको जो सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। हम किसी चीज़ को देख के ऐसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अगर आपको टफ लग रहा है तो हम उसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। आपको उसको फेस करना और उसको समझने की ट्राई करना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप लोग कुछ भी पढ़ोगे ना, तो वो आपको हमेशा टफ ही लगेगा, ठीक है। ऐसा लगे हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा खुद को टाइम देकर अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब आप देखिए इसके अंदर कैसे करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी टू नंबर आ गए, यहाँ पर भी टू आ गए, यानी कि टर्म है ये, देखा जाए तो ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म, यहाँ पर टर्म आ गए। अब टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, अब इसको कैसे करेंगे, वापस दिक्कत। तो इसमें देखिए, इसमें इसको सोल्व करने का एक ही मेथड है, ये जो 2x है ना, इसका जो फर्स्ट नंबर है ना, वो इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई होगा पहले एक बार, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मैंने यहाँ पर इन दोनों को पास में लिख दिया है ना, और इस बार मैंने बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाया छोटा सा, अगर ब्रैकेट के बाद में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते हैं तो भी चलेगा, मैंने एक बार लगा दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है ना। यहाँ बीच में मल्टीप्लाई लिखा है तो भी ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो वो ब्रैकेट के बाद में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई ही मानेंगे हम, यानी ये जो है ना, इसको मुझे इस कंप्लीट के साथ एक बार मल्टीप्लाई करना है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो अब इस फाइव का क्या करेंगे, ये जो फाइव है ना, ये भी इस कंप्लीट के साथ में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसके जो दोनों नंबर है ना, वो इस कंप्लीट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होंगे। पहले मुझे 2x से इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई करना है, फिर मुझे 5 के साथ में इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कैसे होगा, 2x का 2x, 2x के साथ में इस पूरे को यहाँ लिखा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 2x को पहले y के साथ में ये लिख दिया मैंने, 2x को -3 के साथ में ये मैंने लिख दिया 2x मल्टीप्लाई -3, ठीक है। ये मैंने ओनली इस वाले पोर्शन को सोल्व किया, इस वाले पोर्शन को, इतना पोर्शन को, ठीक है ना। अब आगे वाले को देखिए, ये जो 5 है ये इसके साथ आएगा मल्टीप्लाई में, तो मैंने इसके साथ लिख दिया, ठीक है। तो देखो ये क्या जाएगा, 5 को करना है वाई के साथ में, ये मैंने 5 को कर दिया वाई के साथ में, ये मैंने 5 को कर दिया -3 के साथ में, ये मैंने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया -3 के साथ में, ठीक है ना। देखिए एक बार वापस समझने की ट्राई कीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपके फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो, लेकिन आपको उसको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आगे वाले क्वेश्चन नहीं होने वाले, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन दे रखते हो तो, अगर इसमें 3 होते तो मुझे 3 के साथ में अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ता। पहले मैंने 2x के साथ में कंप्लीट को मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 5 के साथ में इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। आपको इसको ऐसे समझना है। अब मल्टीप्लाई तो इस वाले पोर्शन को तो कैसे सोल्व करते हैं, ये तो हमने अभी सीखा है ना। 2x को y के साथ में मल्टीप्लाई, 2xy, इसको सोल्व करने से देखो ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 3 है, प्लस माइनस माइनस, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 6 आ गया। इसके पास x है, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, ओनली x आ जाएगा यहाँ पर। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि इसके पास प्लस है, उसके पास क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा। इसमें देखो 5 मल्टीप्लाई वाई, ये बन गया 5y, प्लस का 5 माइनस का 3 क्या बन जाएगा, माइनस का 15, ये सारे मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। तो ये आ गया इस कंप्लीट के साथ में मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है। अब देखो इसमें से कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इसके पास एक्स वाई है, इसके पास ओनली एक्स है, इसके पास वाई है, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो सारे अनलाइक टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका लास्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है शायद आपके कन्फ्यूज़न हो, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, ठीक है, एग्जाम्पल्स वगैरह देख के सीखने की ट्राई करना है, लेकिन आपको उसको सीखना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास में, आपको आगे वाले सारे क्वेश्चन फिर छोड़ने पड़ेंगे। तो देखिए इसके अंदर क्वेश्चन मैं आपको इसका और बताता हूँ, ताकि जिन बच्चों को अभी तक संबंध में दिक्कत है तो उनको और समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में, ठीक है। अब देखो वापस वही कंडीशन, पहले मैं एक्स, देखो हमने जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था ना, वर्क हम वही कर रहे हैं, फर्क इतना है कि पहले मैं इसको इस पूरे के साथ में लेके चल रहा हूँ, इस पूरे के साथ में, ठीक है। फिर ये माइनस का वाई स्क्वायर है ना,
मैं फिर इसको और इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखो मैंने सबसे पहले वही लिखा, आप एक बार देखिए हम कर क्या रहे हैं, एक्स स्क्वायर को मैं इस पूरे के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा, ये मैंने लिख दिया इसके साथ में, ठीक है। फिर मैं माइनस वाई स्क्वायर को इस कम्प्लीट के साथ में लिखूँगा मल्टीप्लाई में, कि मैंने लिख दिया कम्प्लीट इसके साथ में मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखो अब इस दोनों अलग अलग पोर्शन को आप सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर अपना मिल जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, एक्स स्क्वायर को थ्री एक्स स्क्वायर से ये लिखा, एक्स स्क्वायर को फोर वाई से ये, एक्स स्क्वायर को फोर वाई से ये भी मैंने लिख दिया डिटेल से, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस के थ्री एक्स से ये माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स है, माइनस का वाई फोर वाई से माइनस का वाई फोर वाई से ये रहा माइनस का वाई स्क्वायर फोर वाई से, ठीक है। ये यानी सबको अलग अलग मैंने इसके साथ में मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर को अगर मैं थ्री एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या जाएगा, थ्री एक्स क्यूब, क्योंकि नंबर तो थ्री का थ्री लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स टू और यहाँ पर एक्स वन है, तो कितने बार आ जाएगा, एक्स आ जाएगा थ्री टाइम, ठीक है। फिर इसके बाद में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई फोर वाई, क्या जाएगा, दोनों पोल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, फोर एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट इसमें देखिए, आप ये तो माइनस है, यहाँ प्लस लिखा हुआ है थ्री के पास में, कुछ नहीं तो प्लस मानते हैं, प्लस माइनस क्या बनाएगा, माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। वाई स्क्वायर को थ्री एक्स से मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा, थ्री एक्स वाई स्क्वायर ये आ गया इसके अंदर। लास्ट में देखिए ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस क्या बनाएगा, माइनस, ये आ गया माइनस, नंबर ओनली फोर है तो फोर का फोर आ जाएगा, वाई की पावर टू वाई की पावर वन, क्या आ जाएगा, वाई की पावर थ्री, ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब इस कंप्लीट में आप देखिए आपको कोई भी लाइक टर्म दिख रहा है क्या, इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, सबके पास डिफरेंट है, किसी के पास एक्स है, किसी के पास वाई है, किसी के पास वाई की पावर ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो वो यानी कि सारे अनलाइक टर्म है, तो हम इसको प्लस नहीं कर सकते। तो देखिए ये हो जाएगा इसका लास्ट आंसर, ठीक है। पहले इसको इसके साथ में लिखा, फिर वाई स्क्वायर को इसके साथ में लिखा, ये यहाँ पर लिखा हुआ, ये यहाँ पर लिखा, फिर इनको अलग अलग दोनों को सोल्व कर लिया और हमें क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, आप वीडियो को वापस देखिएगा और इनको समझने की ट्राई कीजिएगा, और इसके बिना आपके आगे वाले क्वेश्चन नहीं होने हैं। तो जिन बच्चों को अभी तक दिक्कत है वो एक दो बार वीडियो को वापस देखे, कैसे करके इसको आपको समझना है, ओके। तो देखिए आज के लिए काफ़ी है, ये जो थी क्वेश्चन मैंने करवाई है तो करना ही है, और मैं होमवर्क के अंदर आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, होमवर्क के अंदर आप इसके क्वेश्चन करोगे। देखिए इसमें जैसे ना आगे वाले जो सारे इसके अंदर थ्री टाइम आ गया, तो थ्री टाइम का वाला तो मुझे करवाने पड़ेंगे, आप इसका थर्ड का ए करना है आपको, ठीक है, थर्ड का ए और सेकंड, ये दोनों इसके जैसे ही हैं, ठीक है, इसमें भी मल्टीप्लाई था, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है आपको, तो आपको जो थर्ड का ए है ये करना है होमवर्क के अंदर, ठीक है, होमवर्क करना है और मुझे सेंड करना है, और जिन बच्चों का आंसर रॉन्ग आ रहा है वो ग्रुप के अंदर देख कर आंसर सही ढंग के आंसर को सही ढंग से देख कर वापस करेक्ट कर लीजिएगा, ओके। तो थ्री क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और वन क्वेश्चन आपको दिया है घर पर सोल्व करने के लिए, तो देखिए इसको आप सही ढंग से सोल्व करना है और समझने के लिए ट्राई करना है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, एंड जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच, स्टे होम एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।